नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को ख़त्म होगा हुबली जोन के साथ। एक सेंटर का जो टेक्निकल इशू की वजह से रद्द हुआ है, उसका भी एग्ज़ाम 6 अक्टूबर को ख़त्म होगा। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि मिड अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम ग्रुप डी का ख़त्म हो रहा है, तो कब तक इसके आंसर की आने की संभावनाएँ हैं, इस वीडियो में यही हम चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रेलवे से संबंधित जो भी अपडेट है वो मैं हो सके तो भरसक प्रयास करूँगा कि इंटरनल जो भी स्रोत हो या मुझे जो भी एक्सपीरियंस हो उसके आधार पे मैं दूँ। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि कब तक इसका आंसर की आने की संभावनाएँ हैं। देखिए, अगर हम आंसर की बात करें तो लंबा तो नहीं खींचेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि NTPC का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद तुरंत ही लगभग 10 से 12 दिन के बाद आपके जितने भी, हालांकि वो आपके पेपर थे, वो सेकेंड फेज के पेपर थे। सेकेंड फेज यानी कि आप कह सकते हैं कि मेंस के पेपर थे, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम थे, इस वजह से जल्द ही उसका रिजल्ट या आप कह सकते हैं आंसर किया गया। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट थोड़ा सा ज़्यादा हैं, तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की वजह से थोड़ा सा डिले, यानी कि एक महीने का डिले हो सकता है। और अगर हम बात करें कि मिड अक्टूबर तक इसका एग्ज़ाम संपन्न हो रहा है, तो मिड नवंबर तक आपके जो आंसर की हैं वो आने चालू हो जाएंगे। यानी कि हम अगर बात करें मिड नवंबर तक अगर इसके आंसर की आते हैं, और उसके बाद आपको समय दिया जाएगा अपने ऑब्जेक्शन रेज करने का, उसके बाद उसमें सुधार होगा, तो चीज़ें आपको नवंबर ये पूरा लग जाएगा आंसर की को सॉर्ट आउट करने में। और अगर हम बात करें कि कब तक इसका फिर ये रिजल्ट आएगा, तो ज़्यादा दिन उसके बाद नहीं, 15 से 20 दिन और जोड़ लीजिए, यानी कि दिसंबर के लास्ट वीक तक आपके फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे कि किनको PT के लिए बुलाया जाएगा। और PT के लिए कम से कम तो 1 से 1.5 महीने, डिपेंड करता है कि कौन से जोन आपका है, जोन वाइज आपका PT होगा, यानी कि फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट। तो इस तरीके से आप मान के चलो कि अगले साल जनवरी के अराउंड में आपके PT के जो चीज़ें हैं वो चालू हो जाएगी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम हो गया होगा, बहुत सारे क्या लगभग लोग का एग्ज़ाम हो ही गया है, क्योंकि अब अक्टूबर कल से चालू हो जाएगा और उसके बाद 11 तक है। हालांकि सभी दिन नहीं है एग्ज़ाम, आपके कुछ दिन छोड़ के भी एग्ज़ाम है, तो अराउंड मान के चलिए कि आपका लगभग 95% जितने भी कैंडिडेट थे उनका एग्ज़ाम हो गया है। तो ये मिड नवंबर तक आपके आंसर की आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इसमें तत्परता दिखाई जाएगी, क्योंकि इसके बाद फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट है, उसके बाद ज्वाइनिंग है, तो ज्वाइनिंग लेते लेते तो उधर आपके ये जो आप कह सकते हैं इलेक्शन का माहौल भी बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मिड नवंबर तक आपके आंसर की आ जाएंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।